पे स्वागत है। देखिए गुड न्यूज है, नीट यूजी 2022 की ऑफिशियल अपडेट है। 10,874 बच्चों का मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया गया है और 93 मार्क्स वाले भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सो गाइस वीडियो के साथ बने रहिएगा और इस चैनल पे सारी अपडेट आपको मिल रहा है, चाहे वो स्टेट लेवल हो या ऑल इंडिया काउंसलिंग के बारे में हो, मेरिट लिस्ट के बारे में, सारी छोटी बड़ी जो भी नीट से संबंधित यूजी की अपडेट आपको इस चैनल पर मिल रहा है, ऑफिशियल अपडेट मिल रहा है। सो गाइज अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल नोटिफिकेशन कर लो ताकि सही अपडेट आपको मिलता रहे। चले लिस्ट को हम देखते हैं पूरी तरह से। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं नीट में 93 मार्क्स आए। सो देख सकते हैं 93 मार्क्स वाले बच्चों का भी नीट के स्क्वायर जो आया है उनका भी इस मेरिट लिस्ट में नाम है। सो गाइज वीडियो के साथ पूरी तरह से बने रहिए, आप पूरी तरह से अपडेट देखते हैं। यह जो आप लिस्ट जो देख रहे हैं वो अगर आप देखिए पूरा लिस्ट अगर देखिएगा फर्स्ट राउंड के लिए स्टेट वाइज करके 21 तारीख को ये मेरिट लिस्ट निकाला गया है MP स्टेट का। जी हाँ, MP स्टेट का कंबाइंड नीट UG का मेरिट लिस्ट निकाला गया, जिसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो है रैंक वन में जो नीट स्क्वायर जो है 720 में 705 नंबर लाने वाला फर्स्ट रैंक वाला को शामिल किया गया और मिनिमम जो मार्क्स है वो 93 नीट स्क्वायर मार्क्स को भी इसमें ऐड कर दिया गया है। तो इस तरह से आप देखिए पूरी आप देखिएगा लगभग यह है जो लिस्ट में इसमें नाम देखिएगा वो 8000 जी हाँ 8000 ठीक है 8170 जो है वो आपको टोटल लिस्ट में नेम मिलेंगे। और ये पूरी मेरिट लिस्ट रैंक वाइज किया गया है, डोमिसाइल है या नहीं, नीट परसेंटाइल की बात अगर आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए 40.163964 को लिया गया है। ये 93 वाले मार्क्स भी बच्चे इसमें इंक्लूड हो गए हैं। तो सो गाइस ये और अगर आप बात करेंगे पूरी तरह से लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने आपको कहा ना था कि 300 से 400 को भी नंबर अगर आपको लाए हैं तब भी आपको सीट मिलेगा, लेकिन काउंसलिंग को आपको सोच समझ के ही करना होगा। सो गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और लोगों तक पहुँचाओ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।